लोकसभा में पिछले कई दिनों से कावेरी नदी पर बांध निर्माण के विरोध में हंगामा कर रहे अन्नाद्रमुक के 25 सदस्यों को अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुधवार को 5 दिन के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिया है। कृषि, कपड़ा, चमड़ा, हस्तशिल्प और मशीनरी से संबंधित छोटे उद्योगों के उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यात कारोबारियों को भी ब्याज में छूट योजना में शामिल करने का फैसला किया है, जिससे उन्हें 600 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे में बड़ा घोटाला होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस तरह की खरीद के लिए स्थापित प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई है और महज 126 विमानों की जगह 36 विमानों की खरीद को मंजूरी देकर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 3 बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय को औपचारिक मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस नेतृत्व पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें यह देखकर हैरानी हुई है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल को लेकर लोकसभा में जो कुछ कहा वह साबित करता है कि उन्हें इन विमानों की कोई समझ नहीं है। घरेलू शेयर बाजार के धराशायी होने और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बिकवाल बनने से बुधवार को अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा लगातार 3 दिन की तेजी खोती हुई 75 पैसे टूटकर 70.18 रुपए प्रति डॉलर पर आ गई है।